वीडियो में आपको बताने वाला हूं, यदि आप लोगों ने अपने किसी फैमिली मेंबर का पेंशन है उसे ऑनलाइन करवाया है तो उसे आप किस तरीका से अपने फोन से चेक कर सकते हैं कि उनका जो पेंशन है वो ऑनलाइन हुआ है या नहीं। सबसे पहले गूगल ओपन कीजिए। यहां पर आपको लिखना है पेंशन स्टेटस। जिस भी स्टेट से हैं आप, उस स्टेट का नाम आप नीचे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पेंशन स्टेटस, यहाँ पर सबसे पहले वाला लिंक है जो यहाँ पर हिंदी में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, यहाँ पर करना है आपको क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस हो जाता है। जिस भी बंदे का आपने पेंशन बंधवाया है, यदि उसका आपके पास खाता नंबर है तो आप यहाँ उसका खाता नंबर डाल सकते हैं, यानी कि ये वाला। और यदि उसका आधार कार्ड आपके पास है तो वो आधार कार्ड यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा और यहाँ पर ये कैप्चा डालना होगा। तो चलिए हम सीधे इसको डाल लेते हैं। जैसे हम आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालने वाले हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी इसको कॉपी किया हुआ है, हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम इस कैप्चर को डाल देते हैं। और ये किसी की पर्सनल प्राइवेसी है इसलिए मैं इसे हाइड कर दूंगा। यहाँ से विवरण देखे पर आपको करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर जो भी पेंशन का लाभार्थी है उसके सारी स्टेटस आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीका से आप किसी की भी पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं कि उनका पेंशन बंधा है या नहीं बंधा है, क्योंकि ये लाभार्थी है, इनका जो बैंक अकाउंट है वो गलत दिया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने अपना बैंक अकाउंट डिटेल अभी भी भेजे हैं नए वाले, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक यहाँ पर उनका जो बैंक अकाउंट है वो सही नहीं हुआ है। दोस्तों, इस तरीका से आप किसी भी लाभार्थी जिसका भी आपने पेंशन बनवाया हो उसका इस तरीका से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी तरह के वीडियोज आगे देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है, जिसका फायदा यह होगा जब भी हम फ्यूचर में नया वीडियो डालेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।